आपका प्रश्न ये है कि सर आजकल ऑनलाइन इतने कोर्सेज मिलते हैं ज्ञान के बारे में, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में, हम किसको खरीदें किसको ना खरीदें, और क्या वो खरीदना जरूरी है? ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो ख्याल रखिए कि आपकी जिंदगी में कितनी रुकावट आई हुई है, कितना परेशानी आपको हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ज्ञान कुछ स्किल्स की कमी है, कहीं पे एटीट्यूड माइंडसेट नेगेटिव है। तो आप कीमत कितनी बड़ी दे रहे हैं, आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं मिल रही, आप कितने एफर्ट्स करते हैं, तो टाइम मनी एफर्ट्स, और आपके करियर में प्रोग्रेस नहीं होती, तो आपको हजारों लाखों का नुकसान हो रहा है। और अगर आप वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, जो भी आपने ज्वाइन करना है उसको करने से आपका आपका करियर बढ़ता है, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, आप कॉन्फिडेंट बनते हैं, आप ज्यादा हैप्पी होते हैं, तो आप खुद ही सोचिए तो कोर्स खरीदना ठीक है? क्योंकि कोर्स खरीदने में जो आप टाइम लगा रहे हैं, मनी दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। जो कि आप कोर्स नहीं लेते तो फिर आपकी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना हार्डवर्क होता है, कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो जाके भी पूरा मनी नहीं मिलता, पूरी कमाई नहीं हो पाती। तो ये आपको सोचना है कि किसमें कीमत ज्यादा है और किसमें कीमत कम है, किसमें बेनिफिट ज्यादा है और किसमें बेनिफिट कम है। ओके।